ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। असम के सीएम और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही ये बड़ी बात। आइए जानते हैं सरमा ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने के बाद असम वापस लौटते हुए बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार शाम को एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद भी ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी और ईडी जल्द ही मुख्यमंत्री बघेल का दरवाजा भी खटखटाएगी। शर्मा ने इस सारे प्रकरण में सबसे ज्यादा खुश टीएस सिंहदेव के होने की बात भी कही। ना प्रॉब्लम वो है, भूपेश बघेल जी तो जानते हैं, वो खुद जेल में जा रहे हैं, खुद साथ में और 10 लोगों को लेके जाना चाहते हैं, वो बात छोड़ दीजिए। बाकी 9 लोगों का हिसाब बाकी जगह में होगा, लेकिन फिलहाल ईडी तो आया भी नहीं। चुनाव का बात तो ईडी आएगा ही, कहाँ ईडी आया भूपेश बघेल का घर में? अभी तक तो ईडी आया भी नहीं, कहानी तो शुरू भी नहीं हुआ है। ये तो ईडी का बड़प्पन है कि चुनाव लड़ने के लिए बघेल जी को समय दे दिया। अभी ईडी तो आया ही नहीं, आया कहाँ? ईडी जो जब कर रहा है बघेल जी का घर में, अभी कोई ईडी का रेट पड़ा है क्या? अभी तो सबसे खुश थी सिंहदेव जी है ना, जो भी कारोबारी हो रहा है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।